गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस क्या है नीड का क्या है फॉर द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ये चीज एसेंशियल है कंपलसरी है कि वो अपने आप को अवेयर रखे जो भी उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट में हो रहा है उसमें उसके लिए क्योंकि जो सक्सेस है बिजनेस की वो डिपेंड इसी चीज पे करती है कि वो अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के लिए कितनी अवेयर है जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट में हो रही है अगर बिजनेस एंटरप्राइज के पास वो इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस डिसीजन ले सकता है अपने इंटरनल एनवायरमेंट को चेंज कर सकता है और अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है जो भी फेवरेबल चेंजेस बिजनेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं उसको बेनिफिट उसका वो ले सकता है तो बेनिफिट्स क्या हैं एनवायरमेंटल स्टडी के सबसे पहला है टू फ्रेम पॉलिसीज बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी जो पॉलिसीज बनाता है वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगा जो भी डिमांड्स एनवायरमेंट से उसे मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएगा तो अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज को एनवायरमेंट के साथ मैच करके चेंज करना उसके लिए यूजफुल रहेगा और उसके लिए जरूरी है कि वो स्टडी करे बिजनेस एनवायरमेंट की ताकि जो सक्सेस है बिजनेस एंटरप्राइजेस की वो उसे अचीव कर सके वो सक्सेस किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो बिजनेस एंटरप्राइज कितनी क्विकली अपने अपने आप को अडेप्टेबल बनाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए

थorough स्टडी किए बगैर आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर टू एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर एनवायरमेंटल स्टडी करके आपको पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और उससे उस कट थ्रोट कंपटीशन को फेस करने के लिए आप जब स्टडी करेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज आपको पता होगी तो आप और ज्यादा इफेक्टिव काउंटर प्लान बना सकते हैं अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीस कर सकते हैं डायमिक एंड इनोवेटिव एनवायरमेंटल चेंजेस की अगर अवेयरनेस आपके पास है तो बिजनेस मैनेजर ज्यादा अलर्ट और डायनेमिक बन जाते हैं वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को किसी भी फेवरेबल चेंजेस में जो भी मार्केट में टेक प्लेस हो रहा है और अगर फेवरेबल चेंजेस हो रहा है तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस अनफेवरेबल चेंजेस को फेस करने के लिए विथ वेल प्लान स्ट्रेटेजी देन टू प्रोवाइड इनफ इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि है कि वेरियस उस उसमें से आपको एक को चूज करना होता है तो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो एनालाइज करने की वेरियस ऑल्टरनेटिव को और उसके लिए जरूरी है बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आप एनवायरमेंट कैपिटल एनालिसिस करें जिससे जो बिजनेस है वो अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकता है और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को बना सकता है और उसी के अकॉर्डिंग जो बिजनेस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मिल रहे हैं वो उसको अडेप्ट कर सकता है उसके उसे फेस कर सकता है नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑफ बिजनेस इसमें हम वही स्वॉट वाला चीज ले रहे हैं एसडब्ल्यू ओ टी की अपनी स्ट्रेंथ उसे पता चल जाती है अपनी वीकनेसेस पता चल जाती है अपॉर्चुनिटीज वो फाइंड आउट कर सकता है बिजनेस के लिए क्या अवेलेबल है और थ्रेट्स क्या क्या बिजनेस को पोज हो रहे हैं तो इन चारों जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या चीज हम लिख सकते हैं कि अगर बिजनेस को अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो उसका फायदा उठा सकता है अगर थ्रेट्स मिल रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके वो उन फेस कर सकता है। अगर उसे उसे अपनी वीकनेसेस पता पता है, तो उसे पता होगा कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो उस ऑपरचुनिटीज में उस वीकनेस को मैं कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी तो उसे पता होगा कि मैं कैसे स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ को यूज करके अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकता हूँ थ्रेट्स पता होंगे तो वो अपने आप को सेव कर सकता है अपनी थ्रेट्स को यूज स्ट्रेंथ्स uh, को यूज करके और अपनी वीकनेसेस को कम करके तो ये जो चारों पॉइंट्स है वो इंटरडिपेंडेंट है तो जो फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स ऑफ बिजनेस टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑफ बिजनेस टू फाइंड आउट दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू बिजनेस एंड टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोज टू बिजनेस इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी किया जाए देन टू नो द इंटरनल बिजनेस मैनेजर फैमिलियर होना चाहिए अपने बिजनेस के इंटरनल एनवायरमेंट से जो भी चेंज इंटरनल एनवायरमेंट में होगा वो बिजनेस को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं तो वो चेंज है आपके इंटरनल एन्वायरमेंट में जिसका नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इंटरनल एन्वायरमेंट को मॉनिटर करें उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट्स करें देन टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन बिजनेस को अपना प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सेल करने हैं वेरियस कॉम्पोनेट्स हैं मार्केट के कंज्यूमर है कॉम्पिटिटर है सप्लायर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस को तो मार्केट तो कंडीशन है उनको समझने के लिए चेंज

जो है वो चेंजेस हो रहे हैं कि जो बिजनेस है उसे आर्ली बेसिस पर मिनट्स के बेसिस पर उसे उस चीज को स्टडी करनी पड़ती है अगर एक दिन में डेली आपका कोई ना कोई कंपनी आपका एप्पल है सैमसंग है मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें कोई ना कोई नया फीचर अपने फोन्स में लेके आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि जो अपना मार्केट शेयर है वो उसे बचा सके

बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है देन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इंपैक्ट ऑफ बिजनेस वेरियस जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है टैक्सेशन पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इनका डीप इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ता है तो जो भी चेंजेस इन पॉलिसीज में हो रहा है वो बिजनेस के लिए थ्रेट भी ला सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है और इन पॉलिसी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करना जो बिजनेस मैनेजर है उसके लिए जरूरी हो जाए जाता है ताकि वो इफेक्टिव बिजनेस बना सके और टाइमली एक्शन ले सके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए देन टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बिजनेस पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है विद इन कंट्री सी गवर्नमेंट आ रही है उसका क्या इफेक्ट Uh, उसके बिजनेस पर पड़ेगा क्योंकि वो चीज डिपेंड करेगी आइडियोलॉजी क्या है जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है पॉलिटिकल प्रेशर कैसा है पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो सभी उस बिजनेस को इफेक्ट करेंगे देन टू फोर सी दी इम्पैक्ट ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स अगर आपको नॉलेज है सोशो कल्चरल फैक्टर्स की जैसे कास्ट रिलीजन कल्चर वैल्यू सिस्टम फैमिली साइज एजुकेशन फैमिली स्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो टाइमली चेंजेस अपनी पॉलिसीज में ला सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकता है विद चेंजेस इन सोशो कल्चरल फैक्टर्स और उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है अपने आप को एनवायरमेंट में सर्वाइव करवा सकता है और कॉम्पिटिशन को मेट आउट कर सकता है तो ये था हमारा टॉपिक और इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर तो क्या, क्या है उसकी स्टडी क्यों जरूरी है नीड क्या है उसकी देन आपका कॉम्पोनेंट बिजनेस एनवायरमेंट के डिटेल में देन आपका रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या इम्पैक्ट क्या क्रिएट uh, करते हैं uh, के तो ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से इस चैप्टर से आपको one, two, two मिलेंगे एग्जाम्स में तो ये था हमारा चैप्टर नंबर वन नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चाप्टर टू, scanning, concept, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच